नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा इंडक्टर इन कॉइल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मोबाइल फोन के पीसीबी में लगे कॉइल के बारे में हम कुछ जानकारियां लेंगे। कॉइल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कैसा आपको लगेगा जरूर कमेंट करके आप हमें बताएंगे, और कुछ डिटेल इसके बारे में चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई फल आपको मिल रहा है कि नहीं ये आप जरूर हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है और फिर से हम वीडियो बनाने के लिए उठ पड़ते हैं। चलो आज के टॉपिक जो हमारा है वो क्वाइल है। दोस्तों क्वाइल के बारे में हम जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वाइल जो है दोस्तों एक विद्युत घटक जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न करता है जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चलिए चलते हैं आगे। हालांकि यह डीसी को पास करता है, दोस्तों क्वाइल जो है वो डीसी करेंट को पास करता है और एसी को पास होने से रोकता है। एसी करंट को पास होने से रोकता है और डीसी को पास होने देता है। क्वाइल जो होता है दोस्तों, यदि क्वाइल के बारे में हम डिटेल जानेंगे, क्वाइल को यदि हम सिमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो वहां पे जो क्वाइल का डिनोटिंग लेटर होता है वो एल होता है या फिर एफ एल होता है या फिर एफ बी होता है। चलिए क्वाइल को जो हम लोग मापते हैं यूनिटी में मापते हैं दोस्तों, क्वाइल का जो सिंबल होता है, जो आप डायग्राम में देखते हो सिंबल ना, वो किस प्रकार का होगा? तो क्वाइल का सिंबल कुछ इस प्रकार का होगा। अगले लाइन में चलते हैं। क्वाइल जो है दोस्तों वो हेनरी एच से डिनोट होता है। हेनरी जो है, जो आपका हेनरी क्वाइल होगा वो एच से डिनोट होगा। अगला चलते हैं। क्वाइल जो है दोस्तों वो मिनी हेनरी होता है, वो एम एच से डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वाइल जो है दोस्तों वो माइक्रो हेनरी होता है, वो यू एच से डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वाइल जो होता है दोस्तों नैनो हेनरी होता है, वो एन एच से डिनोट किया जाता है। अब ये कौन कैसा क्वाइल है? ये हाई पावर, उससे थोड़े छोटे, उससे थोड़े छोटे और इससे थोड़े छोटे, सबसे छोटे नैनो हेनरी होता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट। क्वाइल जो है इस प्रकार का, क्वाइल का जो वैल्यू होगा ना वो कुछ इस प्रकार का आपको लिखा होगा, 7.47 यूएच हो गया, तो माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी, मिली हेनरी, इस प्रकार का लिखा हुआ रहेगा। क्वाइल का जो वैल्यू होता है वो 20% कम भी हो सकता है जब मेजर करोगे, या 20% अधिक भी हो सकता है जो लिखा हुआ रहेगा, उससे थोड़ा कम ज्यादा होगा तो चलेगा। क्वाइल का जो साइज होता है वो ये, क्वाइल जो आप सिमेटिक चलाओगे तो वहां पे कुछ भी वर्ड से पहले क्वाइल के पास एल लिखा हुआ होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इंडक्टर इन स्मार्टफोन, मोबाइल फोन में जो क्वाइल यूज होते हैं दोस्तों उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले आपको जानना है फॉर बूस्ट वोल्टेज रिले। दोस्तों कुछ क्वाइल ऐसे होते हैं जो कि वोल्टेज को बूस्ट करते हैं और उस क्वाइल को बोला जाता है बूस्ट क्वाइल, जो कि हमारे मोबाइल फोन में जो लगे होते हैं वो एलसीडी के बैकलाइट सेक्शन में, जिसको हम लोग लाइट सेक्शन के नाम से जानते हैं, वहां पे बूस्ट क्वाइल लगे होते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। अगला जो क्वाइल होता है फॉर बूस्ट एम्पियर रिले। दोस्तों कुछ क्वाइल होते हैं वो एम्पियर को बूस्ट करते हैं, एम्पियर को बढ़ाते हैं, जिसको एनर्जी बोलते हैं, जिसको करंट बोलते हैं, वो हाई करके सप्लाई करता है और उस क्वाइल को हम लोग बोलते हैं बक क्वाइल। और ये जो क्वाइल होता है दोस्तों ये आपको चार्जिंग आईसी के पास मिलता है और ये आपको पावर आईसी के पास मिलता है। कौन सा? बक क्वाइल। इसका काम क्या है? एम्पियर को बढ़ाना। और एक कौन सा है? बूस्ट क्वाइल। इसका काम क्या है? वोल्टेज को बूस्ट करना, मतलब वोल्टेज को हाई करके सप्लाई करना। चलिए अगला। आगे जो हम लोग देखते हैं फॉर फ्यूजिंग एंड फिल्टरिंग क्वाइल होता है। ये दोस्तों आपको नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में आपको ये क्वाइल देखने को मिलेगा। आगे रिमूव नोज फ्रॉम हाई ट्रांसमिशन। सर ये जो क्वाइल है MIPI
ये जो क्वाइल होते हैं छोटे छोटे क्वाइल होते हैं, ज्वाइंट क्वाइल के नाम से भी जानते हैं, और ये क्वाइल आपको कैमरा सेक्शन, कैमरा कनेक्टर के पास होते हैं और एलसीडी कनेक्टर के पास होते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको यहाँ क्वाइल दिखाते हैं। दोस्तों ये लाइट आईसी है, लाइट आईसी के जस्ट बगल में एक क्वाइल दिख रहा है, ये हमारे बूस्ट क्वाइल है। ये क्वाइल का क्या काम है, वोल्टेज को हाई करके सप्लाई करना, क्योंकि आप जानते हो ना लाइट डिस्प्ले का लाइट में बहुत सारे लाइट होते हैं और उसको अधिक वोल्टेज 30 वोल्टेज 35 वोल्टेज 25 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है और मोबाइल फोन का बैटरी तो 4.2 वोल्टेज का सप्लाई करता है, तो उस वोल्टेज को बूस्ट करके मतलब हाई बढ़ा करके और सप्लाई करने का काम ये करता है, इसको बोलते हैं हम बक क्वाइल। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग बूस्ट क्वाइल। लाइट आईसी के लाइट सेक्शन के बगल में जो क्वाइल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट क्वाइल, और इसका काम है वोल्टेज को बूस्ट करके सप्लाई करना। आगे चलते हैं दोस्तों, ये पावर आईसी के पास जो आप क्वाइल देखते हैं ना इसको बोलते हैं बक क्वाइल, और इसका काम है एम्पियर को बूस्ट करना, करंट को बूस्ट करना, करंट को एम्पियर को हाई करके सप्लाई करना, जो कि ये जरूरत पड़ता है सीपीयू को, ईएमएमसी आईसी को, तो इसके द्वारा सीपीयू ईएमएमसी आईसी में वोल्टेज सप्लाई होता है। और ये जो बक क्वाइल होते हैं दोस्तों ये आपको मिलता है पावर आईसी के पास और चार्जिंग आईसी के पास। अब चलते हैं हम लोग आगे, आप देखते होंगे ये ज्वाइंट क्वाइल, देखिए दोस्तों यही है आपका रिमूव नॉइज फ्रॉम हाई ट्रांसमिशन, ये एमआईपीआई की लाइन में होता है जो कि ग्राफिक सेक्शन में आपको मिलेगा, कैमरा सेक्शन में आपको मिलेगा, ये डिस्प्ले कनेक्टेड है दोस्तों, और वहां पे देखो 1 2 3 4 5 टू है ना, ये ज्वाइंट क्वाइल है, ये क्वाइल हमारा ग्राफिक सेक्शन में लगे होते हैं और ये क्वाइल हमारा कैमरा सेक्शन में लगे होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ डिटेल जानकारी दी है, कुछ बेसिक जानकारी दी है, क्या ये जानकारी से आपको कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ये वीडियो से आपको समझ में आता है, क्या इस तरह का वीडियो आपके लिए लाना चाहिए, आप अपना जरूर सजेशन, आपका क्या सजेशन है इस वीडियो के बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को दिल की गहराई से देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।